फूड ब्लॉगर को रोस्ट, क्योंकि आजकल फूड ब्लॉगर कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कि गोलगप्पा पकोड़ा, पेस्ट्री पकोड़ा, गुलाब जामुन, क्या क्या मतलब कुछ भी बना रहे हैं। आप सभी एक बार ये देखो, ये क्या है, आप सभी को क्या लगता होगा, ये क्या है, क्या है, है? कमेंट बताओ एक बार, लगता क्या है, ये है क्या है, ये मेरे को खुद नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बनाते ही ऐसा है जो मेरे को पता ही नहीं चलता ये बनाते क्या है। चलो एक बार देखते हैं इनकी वीडियो और वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही। चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ब्रेड पकौड़ा तो आप लोगों ने खाया ही होगा, लेकिन आज मैं जो ये है क्या उसको आपने कभी भी नहीं खाया होगा, क्योंकि इन भज्जा ने यहाँ पर बना दिया पेस्ट्री का पकौड़ा। यहाँ पर भज्जा जी ने पेस्ट्री को बेसन में डूब कर उसको तल दिया है तेल में, और पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। इसका पेस्ट्री का पकौड़ा, ये कौन सा पकौड़ा है? मैंने आलू का पकौड़ा खाया है, और मैंने मैंने ब्रेड पकौड़ा भी खाया है, मैंने बहुत चीज मैंने खाए है, पकौड़े मतलब चौमिन पकौड़ा भी खाया है मैंने, पर भाई अभी तक मैंने पेस्ट्री पकोड़ा नहीं खाया। ये पता नहीं कौन सा पकोड़ा है, एक बार देखो इसको, देखो अनोखा स्वाद, मतलब अनोखा स्वाद है, अनोखा स्वाद, सही बता रहा हूँ, अनोखा स्वाद है कसम से भाई। मैंने सोचा भी नहीं था ये मतलब कि पकोड़ा, मतलब कि आजकल ना फूड ब्लॉगर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आगे और देखो, अभी ना भाई ऐसे ऐसे फूड दिखाऊंगा ना आप तंग हो जाओगे। एक बार मेरी वीडियो को ना लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? तो चलो और दूसरा देखो, गोलगप्पे तो खाए होगे आप सभी ने, गोलगप्पे तो खाए होगे। गोलगप्पे कैसे होते हैं? तीखे, सभी को तीखा अच्छा लगता है गोलगप्पा, ठीक है? मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, तीखा लगता है। अब मीठा गोलगप्पा कोई बंदा खाएगा उसको कैसा लगेगा? तो ये जो चॉकलेट बोल देता है स्क्रिप्टिंग, ये देखो सबसे पहले इसके अंदर आ गए, ऊपर से उसके ऊपर वो भी डाल रहा है चॉकलेट, क्या बोलते हैं चॉकलेट, हाँ चॉकलेट डाल रहे हैं। और ये क्या डाल दिया, चॉकलेट पे चॉकलेट डाल रहा है, ये क्या डाल रहा है, ये सोचा कैसे, क्रीम डाल दिया। अब अच्छा आपके पास दोनों तरफ के, अच्छा भाई अब आइए मेन चीज भाई, सब प्रीमियम ही मिलेगी, लोकल हग रहे हैं, मतलब कि हग रहे हैं बंदे, सही बता रहा हूँ भाई, मतलब कि हग रहे हैं बंदे भाई, क्या डाल रहा है ये भाई। हम जाते हैं ना गोलगप्पे खाने भाई, भैया तीखा बनाना, तीखा स्वाद आ जाएगा, ठीक है? तीखा तीखा खाने में मजा आता है क्योंकि मेरे को, ठीक है? तो तीखा बनाना भैया, हम सब ऐसे ही बोलते हैं। मीठा, अबे मीठा कौन बनाता है, मीठा तो पहली बार खाया ही नहीं मैं जिंदगी में कभी, मीठा सही बता रहा हूँ, गोलगप्पे मीठा कभी नहीं खाया मैं, ठीक है? कौन खाता है काजू ऊपर से, अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे इन्हीं सब चीजों को, जो चीज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीज अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे। अगर इस वीडियो के वीडियो पे लाइक आ जाते हैं 200 तो मैं पक्का करूंगा, ठीक है? अगर आप सभी करवाना चाहो तो करवा सकते हो, 200 लाइक, 200 लाइक ही तो है यार, तोड़ दो रिकॉर्ड। अब देखो समोसा, सो ये देखिए आलू की पिट्ठी की जगह पे डाला जा रहा है समोसे में चॉकलेट को, अब अच्छे से इसको बंद कर देंगे आप, चॉकलेट हाथ हो गए यार, समोसे में आलू डलता है आलू, अरे यार ये क्या ध्यान, गाली देने का मन करता है, कसम से बता रहा हूँ, गाली देने का मन कर रहा है। कंट्रोल हो जाए, कितनी ज्यादा अलग लग रही है। हाय गाइस आज हम आ चुके हैं समोसा टाइम पे टेस्ट करने, इनका वायरल चॉकलेट समोसा किया जाता है जो यहाँ पे बहुत ही, कौन पसंद करता है, एक बार मेरे पास लाओ, एक बार मेरे पास लाओ, मैं उनको पसंद करता हूँ फिर ज्यादा पसंद किया जाता है। सो ये देखिए समोसे में अभी अच्छे से डालेंगे कैडबरी की चॉकलेट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉकलेट कस्टमाइज करा सकते हैं। सोच के देखो यार खाने में कैसा लगेगा भाई, मैं सोचो मैं खा रहा हूँ, ठीक है, उल्टी हो जाएगा कसम से बता रहा हूँ। अगर आप अगर आपको कोई और चॉकलेट पसंद है वो भी इसमें ये डाल देंगे। सो ये देखिए चॉकलेट को अच्छे से भरने के बाद अब अच्छे से इसको बंद कर देंगे, और इसके बाद ये इस पे लगाएंगे चॉकलेट समोसे की काफी सारी स्टैंप, अब अच्छे से इसको डीप फ्राई करेंगे। सो आप देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में, काफी ज्यादा क्रिस्पी भी लग रहे हैं। बात की जाए इसके प्राइस की तो आप 50 रुपए का समोसा लो और वेस्ट जाए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इससे बढ़िया ना मैं आलू वाला समोसा खाऊंगा। 50 रुपए का पर पीस यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ हमें मिलने वाली है इनकी स्पेशल लाल चटनी। सो सबसे पहले आप समोसे का साइज चेक करिए कितना ज्यादा बड़ा है, और आप चॉकलेट का कलर देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। सो चलिए इसको पक्का ये खाने के बाद बोलेगा अच्छा लगा मेरे को, पक्का देखना, क्योंकि ये वीडियो बना रहा है बंदा, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो ये पता है हद तक जाते हैं यार फूड ब्लॉगर है, कुछ भी मतलब कंटेंट नहीं मिल रहा तो कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब कि आलू समोसे के बजाय
टेस्ट करते हैं, थोड़ी सी लगाते हैं इस पे एक्स्ट्रा चॉकलेट और थोड़ी सी लगाते हैं लाल चटनी, तो इसका टेस्ट आप मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ ही गए होंगे। सिवाई सवाई खाया है, सवाई सवाई तो खाया होगा, खीर भी खाया होगा, दूध भी पिया होगा। चलो ठीक है, आपने दूध भी पिया होगा, खीर भी खाया होगा, सवाई भी खाया होगा, आपने दलिया भी खाया होगा दूध वाला। आपने खीर कभी खाया है? ये वाला क्या है? कद्दू, हमारे इधर बोलते कद्दू, आपके इधर क्या बोलते कोविड में बता रहा है। ठीक है देव भाई, खीर बन कैसे रहा है? अभी रेसिपी दिखा रही है भाई, कौन बनाएगा अपने घर में पहले ये बताओ मेरे को, अपने घर में कौन बनाएगा ये? मेरे को गुस्सा भी आ रहा है और मेरे को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरे को मन कर रहा है खाने का, क्योंकि मैं भी अब खाऊंगा, आप देखना पक्का खाऊंगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, मतलब कि यार बहुत ही सारे हैं, मतलब मैं आप सभी को बता नहीं सकता, मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ, दिखा ही रहा हूं मैं तो यार। चलो और देखो, सभी ने सुबह उठ के हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। सुबह उठ के हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। ठीक है, अब सुबह उठ के हमको कोई चाय में हजमोला डाल के देगा तो हम लैट्रिन जाएंगे ना? सही बात है ना? देखो अब एक बात बताओ, बाथरूम में हम जाएंगे ना? कसम से बता रहा हूँ। देखो हम सुबह उठ रहे हैं, हमारा मूड बिल्कुल खराब है सुबह, ठीक है? अब हमारा सुबह मूड खराब होता है, हमको पता है। अब हमको कोई हजमोला डाल के देगा चाय के अंदर तो हमको उसको कितना मारेंगे? अब सोच के देखो, हम उसको कितना मारेंगे, हम कितना मारेंगे, अरे उसको हम मारेंगे मारेंगे। अब मैं चाय पीता हूँ भाई चीनी वाला। अब कोई हजमोला डाल दे रहा है, कोई नमक डाल दे रहा है, कोई कुछ मिर्ची डाल रहा है। अबे यार क्या कर रहे हो फूड ब्लॉगर? और फूड ब्लॉगर से पूछोगे ना कैसा लगा खाने में, तो वो बोलेंगे पीने में कैसा लगा, तो वो बोलेंगे बढ़िया, एक नंबर भाई, घटिया है घटिया। अब सुबह सुबह कोई उठेगा, अब उसका मूड खराब हो जाएगा, अब वो बोलेगा भाई मेरे को चाय दो चाय। अरे चाहिए, अरे यार ये चाय है क्या? आगे देखो एक बार देखो ये वीडियो। तो गाइस कड़क चाय, तुलसी चाय और इलायची चाय तो आपने बहुत पी होगी। अरे मैंने नहीं लिया है, आप में से बहुत कभी नहीं लूंगा ऐसा। इसमें एक नींबू कट करके लूंगा। अगर आप 200 लाइक करवा दो इस वीडियो पे, पक्का लूंगा, पक्का डाल दिया जाता है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके सर्व किया जाता है। दिल्ली में इसको कत्याली चाय बोला जाता है, जो कि सिर्फ मात्र 60 रुपए की मिलती है। भाई 60 रुपए का चाय कौन पिएगा? अरे यार एक बात बताओ, 60 रुपए लगाऊंगा ऊपर से, और ऊपर से चाय में हजमोला डाला होगा तो पीने में कैसा लगेगा? तो देखो एक बार ये वीडियो। घर पे कभी बना मत लेना, नहीं तो बहुत बुरे पिटोगे। भाई कौन खाता है? अरे यार ऐसे ऐसे फूड बनाते कौन है? ये बनाता कौन है? आइडिया कहाँ से आता है? कभी किसी को तल लो, कभी टट्टी को भी तल के खा लो ना, मजा आ जाएगा खाने में, फायर होगा फायर। तीखा डाल देना, मिर्ची डालना, आमलेट डालना और उसमें टट्टी डाल देना बस। और फूड ब्लॉगर को एक बार बुला लेना वीडियो बनाने के लिए, अगर वो खाएंगे ना तो उनको पता कैसा लगेगा, क्योंकि उनको हर चीज अच्छा लगता है, हर चीज में, कुछ भी ले लो हर चीज में। अरे भाई उसने गुलाब जामुन को बना दिया पकोड़ा, उसमें भी बढ़िया है, पर इन दीदी को अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से। इनको भी पता चल गया भाई और पागल बनाते हैं, सही बता रहा हूँ। आगे और देखिए। तो गाइज आप सभी को कैसा लगा फूड रिएक्शन? ठीक है, फूड रिएक्शन ही मान लो, फूड रोस्ट मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, आप कुछ भी मान लो, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ मान ही रहे हैं, क्योंकि फूड ब्लॉगर कुछ भी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो पे 200 लाइक करवा दिया तो पक्का मैं फूड बनाऊंगा अलग अलग कुछ भी बना दूंगा, कुछ भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जाओ कर दो भाई, वीडियो एंड हो गया, जाओ जाओ यार, नहीं जा रहे तुम, फिर जाओ 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 जाओ, बंद कर दो, बंद कर दे कैमरा।